अरे हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माइश की क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ डिजिट्स नहीं करेंगे, ये हमने फाइल का नाम गलत कर दिया है। इसमें हम लोग करेंगे मैक्स मीन निकालेंगे, सॉर्टिंग का प्रोग्राम है ये, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट डॉट पी वाई इसका नाम है, ठीक है, सॉर्टिंग करेंगे। और हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इफ कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे और ना ही हम लोग लूप यूज़ करेंगे। बस हम लोग तीन नंबर यूजर से लेंगे और उसको सॉर्ट कर देंगे। कैसे करना है और क्या उसमें लगेगा, क्या लॉजिक रहेगी, क्या फंक्शन, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो साथ में बने रहिए और देखते रहिए ताकि आप इस तरह के प्रोग्राम बना पाएँ। स्टार्ट करते हैं, फंक्शन नेम देते हैं गेट सॉर्ट, और यहाँ पे इसको स्टार्ट करके तीन नंबर ले लेते हैं एन। यहाँ पे INT टाइप में इसको इनपुट इंटर, अबे यार इंटर IRST फर्स्ट क्या हो गया, कंट्रोल डी करते हैं। पर तीन नंबर को जो हम लोग सॉर्ट करेंगे तो आगे में तो आपको इफ कंडीशन वगैरह सब लगानी पड़ेगी, चाहे देखना पड़े। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल लेते हैं ए। A1 में हम लोग डालेंगे मेन और यहाँ पे हम नंबर पास कर देंगे। बेसिकली मैं आपको ये फंक्शन बताना चाहता था कि पाइथन में ये फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि आपको इस हेल्प करेंगे। जब कभी आपको कुछ फाइंड आउट करना रहेगा तो आप उसको जो है ना, कोई प्रोग्राम बनाने से अच्छा है कि आप इसके बने बनाए फंक्शन कर लें। A3 कहलाएगा और A2 जो हमारा आएगा, तो यहाँ से हमें सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा, फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा मिल जाएगा। अब बीच वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे N1 प्लस N2, जोड़ने के बाद माइनस करेंगे A1 को, फिर माइनस कर देंगे A2 को, इससे हमारा बीच वाला नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने दिया 2 3 4 नंबर लगातार इंटर कर, तो ए में आ जाए, A1 में आ जाएगा और A3 में 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 2 6 2 3 4 आ रहा है, 4 3 7 2 9 टोटल रहेगा, 4 और 2 निकल जाएंगे तो बच जाएगा। तरह से जो है तीनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। हम लोग प्रिंट कर देते हैं, एक प्रिंट देना चाहिए हम। नंबर गेट सॉर्टेड, तो इसको सिंपली कर देते हैं दिस प्रोग्राम सॉर्ट थ्री प्रोग्राम प्रोग्राम सॉर्ट्स थ्री नंबर क्या यार, मैं नंबर नहीं टाइप, प्रोग्राम सॉर्ट्स थ्री नंबर के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे कर देते हैं कोर्स में
प्रेस बार प्रिंट नहीं, इट्स इक्वल टू प्रेस आई पुट और बहुत से लोग कहते हैं कि जो है सेंडिंग ऑर्डर मैं बार बार चॉइस इंटीजर में ही क्यों लेता हूँ, कैरेक्टर में भी ले सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इंटीजर में चॉइस लूँ। अगर आपको कुछ और है तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो प्रिंट लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ कारनामा यहाँ पर और तो ये हमारे पास हमने मैसेज लिख दिया। अब यहाँ सीएचएस में चाहे तो कैरेक्टर में भी ले सकते हैं, तो बना लीजिए, लेकिन मैं इंटीजर में साफ साफ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर आइस इक्वल इक्वल प्रिंट पर इन पहले अगर ये कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, प्रिंट कर लूँ। तो आ गया क्या गया यहाँ प्रिंट कर अंदर हमको भेजना है A1 और कॉपी कर लेता हूं मैं। कॉपी करने के बाद यहां पर फिर से पेस्ट पेस्ट पे क्या लग रहा है, पेस्ट इक्वल इक्वल टू। अब दो ही कंडीशन है तो इफ लगाइए चाहे एलिफ लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ले ये सब आपके ऊपर है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ऑर्डर में जो पलट दें एवन, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। प्रोग्राम भी हमारा लगभग बन ही गया, बस हमें चुपचाप इसको कॉल कर लेना है बिना किसी देरी के। हम अपने प्रोग्राम फंक्शन और अब ये ठीक हो गया। एक बार इसको रन करके देख पाए था डॉट प्रोग्राम शॉर्ट 3 नंबर, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर हमने 3 1 8 और ये पता नहीं क्या हो गया, नाम हो गया है गेट शॉर्ट A2 रेफरेंस बिफोर अनबाउंड लिंकिंग A2 अब ठीक है।
तो यही सब है, जरा सा आपने कुछ किया नहीं, ये काम हुआ नहीं, फिर से ट्राई कर लेते हैं। अरे यार, ये फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर 3, फिर 10, प्रेस 1 फॉर असेंडिंग ऑर्डर, 2 फॉर डिसीजन, हमें असेंडिंग में देखना है। 10 नंबर असेंडिंग ऑर्डर आर 3, 18, 10, 18 कौन आ गया, 10, 8, 18, चक्कर है, कुछ चक्कर है बहुत यहाँ लॉजिक में। 8, 2, 1-8, 3 यहाँ पे करना है, वरना यही सब होगा। तो सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं, ठीक है, पर और प्रोग्राम रन करते हैं यार, ऐसे ही सब फॉल्टी आउटपुट आएंगे। अब देख लेते हैं, फिर से इंटर करते हैं, 3, 1, 7, असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 दबा देते हैं, 137 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, प्रोग्राम रन करते हैं, फिर से नंबर इंटर करते हैं, 4, 8, असेंडिंग ऑर्डर के लिए दबा देते हैं, 842, ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमारा जो है कंप्लीट बन गया है। अब अगर हम लोग इस प्रोग्राम में जो है मैसेज प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, जाते जाते प्रिंट हाँ नहीं रहेगा, प्रिंट डबल कोट्स और प्रिंट जो कोई तो करता है तो अपने लिए करता है। तो ये हमारा आज का मैसेज भी हो गया। अगर आप अपने रब का या अपने बनाने वाले का शुक्र अदा करते हैं तो आप ही के फायदे के लिए होता है, उसे किसी और का फायदा नहीं होना और आपकी और नियमतें बढ़ जाएंगी। तो ये हमारे आज का मैसेज भी हो गया, इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। सर फर्स्ट नंबर 3, 7, 9, सॉर्टिंग ऑर्डर 1, 3, 7, 9, और ये हमारा मैसेज भी प्रिंट हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो प्रिंट करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस प्रोग्राम में आपने देखा कि हमें इक्वल्स का जो है यूज़ नहीं किया है, तो कैसा लगा प्रोग्राम बताइएगा। तो चला जाए फिर, ओके, टाटा, बाय बाय।